खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। दोस्तों, हमको पता है कि एरोबिक हेल्थ, अच्छी डाइट और मेडिटेशन तेज दिमाग के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन आज हम बात करेंगे उन मजेदार ब्रेन एक्सरसाइजेस के बारे में जिनसे आपके दो काम हो जाएंगे। एक, इन्हें आप खेलकर फन कर सकते हो, साथ में अपने दिमाग के अलग अलग हिस्सों को एक्टिवेट कर सकते हो जिससे आपकी ब्रेन पावर, कंसंट्रेशन और मेमोरी बढ़ेंगी। पहला मजेदार गेम जो आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ खेल सकते हो वो है ड्रॉ मैप फ्रॉम योर मेमोरी। पेन पेपर लीजिए, अपनी याददाश्त से अपनी कॉलोनी, सोसाइटी या मोहल्ले का मैप बनाइए। इस मैप में रोड, पार्क, एटीएम, चौराहे, दुकान, बाकी सब जरूरी स्थान होना चाहिए। रोड पर चलते हुए रास्ते याद रखना आसान होता है क्योंकि हमारे पास कई सारे विजुअल रेफरेंसेस होते हैं, लेकिन मैप बनाने के लिए और छोटे छोटे डिटेल्स याद रखने के लिए आपको मेमोरी और विजुअलाइजेशन का उपयोग करना पड़ता है। एक बार जब आपका मैप बनकर तैयार हो जाए तो अपने दोस्त के साथ या गूगल मैप से मिलाकर चेक कीजिए। परिणाम देखने के बाद आपको आश्चर्य होगा कि कितनी सारी चीजें आपसे छूट गई। अगर ये काम आपको आसान लगे तो इंडिया या किसी कॉन्टिनेंट का मैप बनाकर देखिए और ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स मैप में नोट करने की कोशिश कीजिए। अगला मजेदार गेम जो हम अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं वो है मेमोराइज पैटर्न्स। हम सबके साथ होता है कि अभी सुनी हुई बात हम भूल जाते हैं, अभी क्वेश्चन पढ़ा था लेकिन जल्दी जल्दी में छोटे डिटेल्स याद नहीं रहते। वर्किंग मेमोरी और फोकस ट्रेन करने के लिए बहुत अच्छा गेम है मेमोराइज पैटर्न्स। टेबल पर 10 से 12 रैंडम डेली यूज के सामान रख लीजिए और 10 सेकंड दिखाने के बाद चादर या टॉवल से ढक दीजिए। अब 40 सेकंड के अंदर अपनी मेमोरी से सामान को नोट कीजिए। चलिए इस गेम को अभी खेल के देखते हैं। गेम शुरू होता है 5 सेकंड में। अपने पास पेन पेपर तैयार रखिए। टाइमर शुरू हो चुका है, 10 सेकंड है आपके पास, आराम से देखिए। अब 40 सेकंड के अंदर अपनी मेमोरी से सामान को नोट कीजिए। सारी चीज़ें जो पिक्चर में मौजूद थीं, हेडफोन, आइस ट्रे, चाकू या नाइफ, लैंप या स्ट्रीट लैंप, टेबल, टॉयलेट, टोमेटो, टूथब्रश, स्क्रू, शू या जूता, सोफ़ा और यूएसबी, 12 में से आपने कितने सही लिखे हमें कमेंट्स में बताइए। न्यूरोबिक एक्सरसाइजेस आपके दिमाग के साथ 5 सेंसेस और ईक्यू का उपयोग करती हैं जिससे आपका दिमाग अलर्ट, फ्लेक्सिबल और क्रिएटिव होता है। अगला गेम न्यूरोबिक एक्सरसाइज का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, फील सम कॉइन्स इन योर पॉकेट। अपनी जेब में या किसी थैले में बिना देखे कुछ सिक्के रख लीजिए और उन्हें छूकर बताइए कि कुल सिक्कों की क्या कीमत होगी। ऐसा करने के लिए आपको हर सिक्कों को छूकर पता करना होगा, साथ में गिनते जाना होगा कि किस मूल्य के कितने सिक्के हैं। अगला गेम जो हम अभी खेलने वाले हैं वो हमारे पूरे ब्रेन को 30 सेकंड में एक्टिव कर देगा, शर्ट टेबल्स। 30 सेकंड के अंदर 1 से लेके 25 नंबर ढूंढिए जो कि रैंडमली इन स्क्वायर्स के बीच में लिखे हुए हैं। आपको ये गेम पढ़ने से थोड़ी देर पहले खेलना चाहिए। ब्रेन एक्टिवेट होने से आपकी नींद खुल जाएगी और आप थका हुआ महसूस नहीं करेंगे और बेहतर तरीके से कंसंट्रेट कर पाएंगे। चलिए इसे खेल कर देखते हैं। 25 सेकंड के अंदर सारे 1 से 25 नंबर ढूंढिए। क्या आपको 25 सेकंड से कम लगे? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। कुछ रिसर्च कहती है कि इस गेम से दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड और फोकस के साथ साथ पेरिफेरल विजन भी बढ़ता है जिससे आपकी रीडिंग स्पीड में भी फायदा होता है। अगला गेम है हैंड मोशन। ये गेम दिमाग के वो हिस्से एक्टिवेट करता है जो कोई और गेम नहीं करता।
सबसे पहले दोनों हाथों को सामने की तरफ लाइए, सीधे हाथ से हवा में सर्कल का शेप बनाने की कोशिश कीजिए और क्लॉकवाइज घुमाइए। उल्टे हाथ से ट्राइंगल का शेप बनाने की कोशिश कीजिए और इसको भी क्लॉकवाइज घुमाइए। इस तरह दोनों हाथों से एक साथ शेप बनाने की कोशिश कीजिए। शुरू शुरू में ये मुश्किल लगेगा, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस में ये आसान लगने लगेगा। जब ऐसा हो जाए तो एक हाथ को क्लॉकवाइज और दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए। कुछ देर बाद हाथों के शेप्स भी बदल दीजिए, मतलब ट्राइंगल की जगह सर्कल बनाइए और सर्कल की जगह अब ट्राइंगल बनाइए। ये एक्सरसाइज खास है क्योंकि हाथ के कोऑर्डिनेशन के लिए ये हमारे दिमाग के नए हिस्सों को एक्टिवेट करता है। दोस्तों, ब्रेन ट्रेनिंग के 3 प्रिंसिपल्स हैं जो आपकी काफ़ी मदद करेंगे। हार्वर्ड सोशल रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर मॉरिस कहते हैं कि इन गेम्स और एक्टिविटीज़ का पूरा फायदा उठाने के लिए आपको 3 बातें याद होना चाहिए। सबसे पहले चैलेंजिंग, मुश्किल होने पर ही दिमाग नए तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है या नए और कमज़ोर न्यूरल नेटवर्क्स का उपयोग करता है। इसलिए दिमाग को ग्रो करने के लिए हमको चैलेंजेस चाहिए, यानी खेल थोड़ा मुश्किल होना चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल कहता है कि केवल चैलेंजेस नहीं होना चाहिए बल्कि न्यू कॉम्प्लेक्सिटी भी होनी चाहिए। कुछ ऐसे गेम्स खेलो, कुछ ऐसे काम करो जो आपकी पर्सनैलिटी से अलग हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डांस करना पसंद नहीं है तो आपको ज़रूर डांस करना चाहिए। अगर आपको किताब पढ़ना पसंद नहीं है तो आपको स्क्रैबल्स जरूर खेलना चाहिए। अगर आपको मैच पसंद नहीं है तो लॉजिकल रीजनिंग वाले और कैलकुलेशन वाले पजल्स जरूर सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ये सब आपके दिमाग के लिए एकदम अनजाने चैलेंजेस होंगे जिससे दिमाग नए कनेक्शंस बनाएगा। कुछ रिसर्च ये भी कहती है कि जितनी वैरायटी के आप मेंटल एक्सरसाइजेस और गेम्स खेलोगे उतना आपको फायदा होगा। तीसरा प्रिंसिपल है, कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन टाइम स्पेंड। जब दिमाग पर रेगुलरली दबाव पड़ता है नए तरीके से सोचने का, तब जाकर बदलाव आते हैं। इसका मतलब भले ही 15 से 20 मिनट खेलिए, लेकिन हफ्ते में 5 बार खेलिए। टाइम वॉल्यूम से ज़्यादा कंसिस्टेंसी मायने रखती है। डॉक्टर मॉरिस 2 बोनस पॉइंट और बताते हैं। पहला, हम लोग किसी भी गेम में मास्टरी हासिल नहीं करना चाहते। जैसे ही खेल चैलेंजेस बढ़ाने के बाद भी आसान हो जाए, वैसे ही स्विच कर जाओ। दूसरा, कंबाइनिंग एड्स कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आप 2 एक्टिविटीज एक साथ जोड़ते हो तो और भी अच्छा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, नए म्यूजिक पर डांस कीजिए या तेज तेज चलते हुए कैलकुलेशन कीजिए या वैदिक मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक लगाने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, ध्यान रहे, ये सारी एक्टिविटीज मजेदार होनी चाहिए जिन्हें खेलकर आपकी थकान भी दूर हो जाए। अगली एक्टिविटी जो आप कर सकते हो वो है यूज नॉन डोमिनेंट हैंड, यानी उल्टे हाथ का इस्तेमाल करें। ये सलाह पहली बार न्यूरोबायोलॉजिस्ट लॉरेन कार्ट्स ने अपनी किताब में दी थी। वे कहते हैं कि अपने दिमाग को विकसित करने के लिए छोटी मोटी एक्टिविटीज उस हाथ से करें जिसका सामान्य रूप से हम इस्तेमाल नहीं करते। जैसे आप राइट हैंडेड हैं तो लेफ्ट हैंड से ब्रश पकड़ें और माउस का प्रयोग करें। जब भी आपको याद आए तब उल्टे हाथ से चाय या पानी पिएं। इस एक्सरसाइज से हमारे राइट और लेफ्ट ब्रेन के इंटरकनेक्शंस बढ़ते हैं, जो हमारी क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, विजुलाइजेशन और इमेजिनेशन जैसी पावर्स को बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगला मजेदार पॉइंट है लर्न न्यू लैंग्वेज। आप कहेंगे कि नई भाषा सीखने के लिए हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। बिल्कुल सही बात है, हम भाषा में एक्सपर्ट नहीं होना चाहते, हम बस उसे सीखने की कोशिश करना चाहते हैं। आप केवल और केवल 10 मिनट खर्च कीजिए, क्योंकि कुछ नया सीखना दिमागी क्षमताओं को विकसित करने के लिए सबसे इफेक्टिव तरीकों में से एक है, यानी कम समय में ज़्यादा फायदा होता है। क्योंकि जब हम कुछ नया सीखते हैं तब दिमाग को लगातार चैलेंज का अनुभव होता है, जिस कारण वो जल्दी ग्रो करता है। इसलिए कई रिसर्च दिखाती है कि पेंटिंग, क्रिएटिव आर्ट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना, नई भाषा सीखना हमारी मेंटल स्किल्स और मेमोरी के कई आयामों को बढ़ावा देते हैं। आज की डेट में नई भाषा सीखना बहुत आसान है। डुओलिंगो जैसे ऐप फ्री में उपलब्ध है। दिन के केवल 10 मिनट इस ऐप को खेलिए, आपको ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों, समरी में ब्रेन ट्रेनिंग के 3 प्रिंसिपल्स याद रखिए जो आप बाकी एक्टिविटीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं। पहला चैलेंजिंग, दूसरा न्यू कॉम्प्लेक्सिटी और तीसरा कंसिस्टेंसी। बोनस के 2 पॉइंट हैं कि जैसे ही गेम आसान हो उसे स्विच कर जाओ। दूसरा बोनस पॉइंट, कंबाइनिंग एड्स कॉम्प्लेक्सिटी। दोस्तों, आपके पास 7 मजेदार गेम्स हैं जो आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ खेल सकते हो। पहला, ड्रॉ मैप फ्रॉम मेमोरी, अपनी याददाश्त से मैप बनाइए। दूसरा, मेमोराइज पैटर्न्स। तीसरा, फील द कॉइंस इन द पॉकेट।
चौथा शटल टेबल, ये ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए बढ़िया गेम है। पांचवा डिफरेंट हैंड मोशंस, जो दिमाग के अलग अलग हिस्सों में कोऑर्डिनेशन बनाता है। छठवा यूज नॉन डोमिनेंट हैंड, उल्टे हाथ का इस्तेमाल कीजिए। और सातवा लर्न न्यू लैंग्वेज, इसमें ज्यादा समय नहीं, केवल दिन के 10 मिनट दीजिए। आप कौन कौन से गेम खेलने वाले हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो फास्टिंग फॉर फोकस पर वीडियो देखिए, कैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग से आप अपने दिमाग को पूरे दिन तेज रख सकते हैं। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।